हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में हम अपना एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पे, जो कि है kotak.com। तो इस तरह से आप अपने ब्राउज़र से इस वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। उसके बाद आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन होना होता है, तो यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करिए और नेट बैंकिंग में लॉगिन होने के लिए आप अपने CRN या फिर यूज़र नेम का इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना होता है, उस सिक्योर लॉगिन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन होना होता है। तो खैर, ये तो सबको पता है कि इंटरनेट बैंकिंग में कैसे लॉगिन होना होता है, तो इस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं और आपको आगे का पार्ट दिखाते हैं। तो बहरहाल, हमने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है एंटर कर लिया, सिक्योर लॉगिन पे क्लिक कर लिया है। अब हमारे पास एक OTP आता है, तो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए हम फटाफट से OTP एंटर करते हुए लॉगिन हो जाते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं। हाँ, तो इंटरनेट बैंकिंग में हम लॉगिन हो चुके हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये नया ऑप्शन यहाँ पे जोड़ा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके प्रोफाइल की डिटेल्स आपको शो होंगी। जो कुछ भी आपने अकाउंट ओपन करते टाइम डिटेल्स अपनी फिल करी होंगी, वही सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि निक नेम आपका हो गया, जो यूज़र नेम होता है जो आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। पैन नंबर आप चेंज कर सकते हैं, आधार नंबर चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपनी ईमेल ID चेंज कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज कर सकते हैं। वैसे तो हमें सिर्फ अपना एड्रेस ही चेंज करना है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट से आप सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी इनकम चेंज करनी होगी तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें अपना एड्रेस कैसे चेंज करना है, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो इसके लिए आपको एडिट पे क्लिक करना होता है, ये ऑप्शन आपको मिलता है एडिट का। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अपडेट एड्रेस बाय यूजिंग आधार नंबर एंड OTP, तो ये इंस्टेंट हो जाता है। और दूसरा जो ऑप्शन है, अपडेट एड्रेस बाय अपलोडिंग एड्रेस प्रूफ, तो ये इंस्टेंट नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो चलिए हम पहला वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए, तो इसी पे आपको क्लिक कर लेना होता है। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला ऑप्शन चूज़ करने के लिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, एग्री करना होता है। तो चलिए इसको हम एग्री कर लेते हैं, और उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर लेना होता है। तो OTP भेजा जाता है आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और वही OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो चलिए हम फटाफट से OTP एंटर कर लेते हैं। हाँ, तो हमने OTP एंटर कर ली। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना होता है। सबमिट पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो जो हमारा परमानेंट एड्रेस हमारे आधार कार्ड में होता है वो यहाँ पे हमें शो होता है। तो अगर हम अपना यही परमानेंट एड्रेस अपना करेस्पोंडेंस एड्रेस बनाना चाहें, यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस बनाना चाहें जिसपे हमें डिलीवरी वगैरह भेजी जाती है, तो हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेट परमानेंट एड्रेस एज करस्पोंडेंस एड्रेस, तो मुझे यही वाला एड्रेस रखना है। वैसे अगर आप चाहें तो अपना करस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप जहाँ पे हो वो वाला एड्रेस आप जो एंटर कर सकते हैं, और एड्रेस टाइप में रेसिडेंस या फिर ऑफिस ये आप चूज़ कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे होता है कम्युनिकेशन एड्रेस से, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हमें सिर्फ यहाँ पे मतलब है कम्युनिकेशन एड्रेस से। उसके बाद हमें जो है अपडेट एड्रेस पे क्लिक कर लेना होता है, और यहाँ पे जो भी हमने डिटेल्स वगैरह दी हैं वो सारी जो है हमें शो होती हैं। उसके बाद हमें कन्फर्म पे क्लिक कर लेना होता है। कोई OTP वगैरह का झमेला नहीं है। जैसे हम कन्फर्म करते हैं तो देखिए हमारी रिक्वेस्ट ID आ गई, और ये देखिए सक्सेस हो गया, हमारा जो करस्पोंडेंस एड्रेस है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, इंस्टेंटली हुआ है बिल्कुल, इसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा है। हम इसको अभी चेक भी कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इसी तरह से हम अपना जो है एड्रेस चेंज कर सकते हैं। वैसे आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमें जो है सिर्फ करस्पोंडेंस एड्रेस से मतलब होता है, जिसपे हमें डिलीवरी वगैरह भेजी जाती है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरा जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, कम्युनिकेशन एड्रेस वो बदल गया है, इंस्टेंटली हुआ है, इसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। अब हमें जो अदर इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, जैसे कि ऑक्यूपेशन चेंज करना है, स्टूडेंट से मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप सैलरीड है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इनकम अगर चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं, और बाकी एजुकेशन अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस वो अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें सिर्फ अपडेट पे क्लिक करना होता है, और ये जो है इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। चलिए हम जो है अपडेट पे क्लिक करके इसको चेंज कर लेते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली ये चेंज हो गया है, इसमें हमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा। तो दोस्तों, बस इसी तरह से हम जो है अपने कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, और साथ ही अगर हमें जो है अपना ऑक्यूपेशन और अपनी इनकम चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं इस चैनल पर। और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं पता हो उनको भी पता लग जाए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। एक बार फिर से आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।